So let's now calculate the magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current. Clear? So yahan pe we will make the use of Biot-Savart's law to calculate the field. Is circular coil mein I current flow kar raha hai. Theek hai? There is a circular coil of radius R. And let's say the center of this is O. And I current is direction mein flow kar raha hai. Idhar se aise jaakar, idhar se aise aayega. Clear? And P point is there on the axis of this circular coil. And let's say this P point is at a distance of x. Ye x distance hai from the center of this coil. Theek, ye situation aapko given hai. Ab main kya kar rahi hu, main is coil par dl length ke do small small elements consider karungi. ठीक, एक एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे यहां पर डी एल लेंथ का, दूसरा एलिमेंट यहां पे कंसीडर करेंगे डी एल लेंथ का. आई एम कंसीडरिंग टू लेंथ एलिमेंट्स डी एल. ठीक है, डायग्रामेटिक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एजेस पर. क्लियर? एंड लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, सपोज इस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूं सी, इस पॉइंट को डी. सो दिस डिस्टेंस पी सी, पी सी या ये डिस्टेंस पी डी, ये बराबर होंगे. करेक्ट? एंड ये डिस्टेंस मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट कर सकती हूं. यस, सो पी सी इज इक्वल टू पी डी. दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यस और नो? ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक्स है, ये ए है. सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एंड लेट्स से इस डिस्टेंस को मैं आर ले लेती हूं, स्मॉल आर है ये. ठीक बेटा, नाउ सपोज ये दोनों एंगल्स हैं फाइ, सेम ही होंगे एंगल्स भी. सो दीज टू एंगल्स आर फाइ. नाउ अगर मैं इस आईडीएल, भाई इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, ये डीएल एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है. सो देयर इज अ करंट एलिमेंट आईडीएल. इस करंट एलिमेंट आईडीएल की वजह से पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूं यूजिंग बायट-सेवर्ट्स लॉ. सो यहां पे हम लगाएंगे बायट-सेवर्ट्स लॉ. DB is equal to mu naught upon 4 pi I DL sin. अब कितना एंगल होगा? एंगल विल बी 90 डिग्री. थीटा कौन सा एंगल होता था? जो लाइन एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में होता था. यस, सो ये मेरा पोजीशन वेक्टर है आर, ये मेरा लाइन एलिमेंट है. इन दोनों के बीच में मैंने ये एलिमेंट इतना छोटा सा है कि इसको अप्रोक्सीमेटली मैं स्ट्रेट अगर मान लूं तो एक मेरा लाइन एलिमेंट ऐसे है, पोजीशन वेक्टर ऐसे है. सो इस एंगल को मैं अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री मान लूंगी. क्लियर? एंड ए भी बहुत छोटा है, ये फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करेगा थीटा को 90 डिग्री होने में.
सो साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 इज 1 अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये मान लीजिए आया मेरा ये वाला टर्म आ गया बिकॉज ऑफ एलिमेंट एट सी। सी पर जो मेरा मैंने लाइन एलिमेंट कंसीडर किया है उसकी वजह से मेरे पास ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक, सिमिलरली अगर मैं इस डी पॉइंट पर जितना लाइन एलिमेंट है उसकी वजह से अगर हम फील्ड निकालें तो वो कितनी आएगी, डी बी डैश लेट्स से, सो दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। सेम फैक्टर आएगा बिल्कुल, यस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेट्स से दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइन एलिमेंट एट डी। सेम आया है दोनों की वजह से, क्लियर। सो बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट एट सी डी बी विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, लेट्स से ई, पीई परपेंडिकुलर टू सी पी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डी बी वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं डी बी डैश की डायरेक्शन कहूं सो डी बी डैश मेरा इस डायरेक्शन में बनेगा पी एफ, लेट्स से डी बी डैश वेक्टर, बिकॉज पी एफ हैज टू बी परपेंडिकुलर टू सी पी, ये परपेंडिकुलर ही बनेंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू रिजॉल्व डी बी एंड डी बी डैश। अब इन दोनों को हम इनके टू टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर ये डी बी है सो एक बनेगा इधर एक बनेगा इधर, करेक्ट। अब कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन होगा, अगर ये एंगल थीटा है फाई है सो ये एंगल भी फाई होगा, और अगर ये एंगल फाई है सो ये बनेगा डी बी कॉस फाई एंड ये कॉम्पोनेंट बनेगा डी बी साइन फाई। सिमिलरली अगर ये एंगल फाई है तो इसको भी मैं दो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व कर सकती हूं, एक कॉम्पोनेंट बनेगा इधर एक कॉम्पोनेंट बनेगा नीचे। सो इफ दिस एंगल इज फाई सो दिस एंगल इज ऑल्सो फाई, क्लियर। एंड अगर ये एंगल फाई है तो ये कॉम्पोनेंट बनेगा डी बी डैश कॉस फाई एंड ये वाला कॉम्पोनेंट बनेगा डी बी डैश साइन फाई। दोनों फील्ड्स के साइन कॉम्पोनेंट्स एक डायरेक्शन में है, कॉस कॉम्पोनेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, नाउ जो आपके कॉस कॉम्पोनेंट्स हैं डी बी और डी बी डैश बराबर हैं दोनों मैग्नीट्यूड में, राइट, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस,
सो ये दोनों कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में. बचा कौन सा? सिर्फ साइन कॉम्पोनेंट्स. ठीक. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो इस पी पॉइंट पर होगा, इस पी पॉइंट पर, दिस विल बी द सम ऑफ डीबी साइन फाइ एंड डीबी डैश साइन फाइ. सो हेयर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दिस विल बी बी इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रेशन कर दूं डी बी साइन फाइ का, राइट. सो क्या आएगा ये? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये लिखा टर्म, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन फाइ. क्लियर? नाउ म्यू नॉट फोर पाई आई साइन फाइ, ये सब क्या है? ये सब कॉन्स्टेंट है, तो ये सारे हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से. सो वी गेट म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई साइन फाइ अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल. ठीक. नाउ डी एल क्या है मेरा? ये एक छोटा सा एलिमेंट है. इस तरीके से छोटे छोटे एलिमेंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली क्या बनेगा ये सारा सम अप होकर? कॉइल का सर्कमफेरेंस. यस, ये जो सर्कुलर वायर है, सर्कुलर कॉइल है, इस कॉइल के छोटे छोटे एलिमेंट्स लेकर अगर मैं सबको इंटीग्रेट कर दूं तो ये पूरा, ये इस सर्कुलर कॉइल का ये सरफेस का ये बन जाएगा. सो विच इज, यस एग्जैक्टली, टू पाई ए, इट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. यस, तो इंटीग्रेशन डीएल की जगह पर आएगा टू पाई इंटू ए. ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सिमिलरली साइन फाइ, एंगल है मेरा फाइ, ये रहा, तो साइन फाइ क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. ठीक. परपेंडिकुलर है मेरा ए, हाइपोटेन्यूस है आर. सो ए बाय आर, एंड आर की वैल्यू हमने लिखी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक. सो मेरे पास इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू आ गई, साइन फाई की वैल्यू आ गई. इन दोनों को यहां पर पुट कर दो. सो व्हाट आई गेट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, यस, आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज, यस. आएगा हाँ ये वाला, इसकी पावर हाफ, एंड साइन फाइ की जगह हम लिख सकते हैं ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू टू पाई ए. ठीक. इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो क्या आएगा? सो बी
इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई 2 पाई ए स्क्वेयर, यस, सो 2 पाई ए स्क्वेयर आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ, सो पावर 3/2, सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर? एंड क्या डायरेक्शन होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की? ये वाली हॉरिजॉन्टल, ये पी से सपोज ये एक्स एक्सिस है, सो पी एक्स will be the direction of this magnetic field. ये आपका आंसर आ गया. And if there are n turns in the coil, ये तो एक एक turn है coil का, अगर n turns हो जाए, So, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dl लिखा है ये बन जाएगा 2 πn a, n आ जाएगा साथ में, यस, एंड सो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 πn 2 πn a स्क्वायर i अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट? सो द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, म्यू नॉट अपॉन 4 πn 2 πn आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. दिस वी कैलकुलेटेड, राइट? आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन द कॉइल, ए इज द रेडियस ऑफ द कॉइल एंड एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी दैट वी कंसिडर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल. यस, दिस वी हैव. नाउ लेट्स कंसिडर some special cases. There are some special cases over here. First case is when point P lies at the center of the circular coil. Okay, now this is the first case, that when point P lies at the center of the circular coil, जो point P हमने x distance पर consider किया है, अगर वो point P आपका center of the circular coil पर आ जाए तो magnetic field क्या होगी? Yes, so अगर P point center of the circular coil आ जाए, that means x क्या हो? जीरो. सो इस एक्सप्रेशन में एक्स को जीरो डालें, सो वी गेट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 πn 2 πn आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू द पावर 3/2. एक्स हो गया जीरो, सो यहां से हमारे पास बी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 πn 2 πn आई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, करेक्ट? अब एक ये ए स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, सो वी गेट बी एज म्यू नॉट अपॉन 4 πn 2 πn आई अपॉन ए, करेक्ट? ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular coil carrying current. Okay, now when this point P lies away from the center of the coil, yani ki
कॉइल के सेंटर से बहुत ज्यादा दूर अगर हम एक पॉइंट पी कंसिडर कर रहे हैं, राइट, दैट मीन्स एक्स जो है वो बहुत ज्यादा है ए से. एक्स डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल. क्लियर? तो अगर एक्स ए से बहुत ज्यादा है तो हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट. So A can be neglected, hence we get B is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi I A square upon, ये A square neglect हो गया, so we get X square to the power 3 by 2. Yes, and this can be written as, okay now another thing, pi into A square. पाई ए स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, राइट, द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एज इट इज आई एज इट इज. पाई ए स्क्वायर को मैं ए लिख रही हूं, क्लियर, अपॉन एक्स क्यू, ओके, वेयर area of coil A is pi A square. Okay. And if I take this for n circular turns, तो यहां पर एक n भी आ जाएगा and so यहां पे भी एक n आ जाएगा. ठीक. Now this expression I A and N, या मैं कहूं N I A, निया निया याद रखो. So this becomes B is equal to mu naught upon 4 pi 2 upon X cube. This N I A can be written as capital M. Okay. This can be written as capital M, where this capital M is NIA, NIA. This is called as magnetic dipole moment. This is magnetic dipole moment of the current loop. Clear? This pi a square is the area and then n I a, number of turns into current into area, this is equal to capital M, where capital M denotes the magnetic dipole moment of the current loop. Right? This magnetic dipole moment that you have calculated over here, this N into I, this is called as ampere turns. And A is the area, right? Area of the what? The circular coil. So, magnetic dipole movement, it is of the current loop. This is equal to the product of ampere turns and area of the current loop. Just remember this, okay? Magnetic dipole moment of the current loop is equal to the product of ampere turns and the area of the current loop. Suppose we have a circular coil. Okay,
we have a circular coil in which current is flowing in clockwise direction. Chik. And there is another coil in which current is flowing in the anti-clockwise direction. Chik. Ab एक मैग्नेटिक डायपोल की पोलैरिटी क्या होगी? एक मैग्नेटिक डायपोल की पोलैरिटी क्या होगी? करंट लूप को अगर हम देखें तो ये डिसाइड करने के लिए क्या करना चाहिए, आप करंट देखो. इफ या भाई पोलैरिटी का मतलब कि या तो वो साउथ पोल बने या वो नॉर्थ पोल बने, करेक्ट. अब साउथ बनेगा या नॉर्थ बनेगा ये डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन. ठीक. अगर क्लॉकवाइज करंट है, इफ द करंट इज क्लॉकवाइज, देन ये आपका बनेगा साउथ पोल. एंड अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बनेगा नॉर्थ पोल. ठीक है. एक डाइपोल है आपके पास, मैग्नेटिक डाइपोल. डाइपोल मीन्स टू पोल्स आर देयर, नॉर्थ एंड साउथ. सो अगर बस आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है एक करंट लूप की वजह से, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल में किस साइड साउथ और किस साइड नॉर्थ बनना चाहिए ये करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी. अब करंट की डायरेक्शन डिसाइड कैसे करेगी? इफ इट इज If the current is in clockwise direction, so it will have a south polarity. इसको याद रखने का ये आप ऐसे कर सकते हो, यहां पर ये एरो बना लो. देखो S का एरो इस तरफ जा रहा है और ये वाला इस तरफ जा रहा है, यानी कि करंट भी ऐसे फ्लो करेगा. So clockwise. N की तरफ अगर देखें, N का ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ पॉइंट कर रहा है. सो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो नॉर्थ पोल. यू कैन रिमेंबर दिस इन सच अ मैनर. समझ आया? साउथ है, साउथ का ये वाला एंड पे अगर मैं एरो बनाऊं और इस वाले एंड पे एरो बनाऊं, तो ये एरो इधर घूम रहा है, ये एरो इधर की डायरेक्शन में जा रहा है. तो मान लो ये करंट की ही डायरेक्शन है, तो जब करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा, एंड अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा. व्हेन द पॉइंट पी इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, दैट मीन्स Now this x distance is equal to a. So अगर ये हो जाए, आपके पास b का expression है mu naught upon 4 pi 2 I n pi a square upon a square plus x square की power 3 by 2. You have this expression with you, right? Now, if x becomes equal to a, then magnetic field is mu naught upon 4 pi 2 n I pi a square upon a square plus a square. We can do this. So, this becomes 2 a square ki power 3 by 2. Correct? This can फर्दर भी सॉल्व, इसको और ज्यादा हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? पाई और टू को आप यहां से कैंसिल कर दो. ठीक. तो ये बन गया मेरे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू टू ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2. करेक्ट. अब a स्क्वायर और 2 को अलग करते हैं अगर हम, सो वी गेट b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन, दिस इज 2 की पावर 1
इंटू टू की पावर थ्री बाय टू एंड बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो टू की पावर वन प्लस थ्री बाय टू पावर्स हो जाएंगी. करेक्ट. इंटू ए स्क्वेयर की पावर थ्री बाय टू. समझ आया ये वाला स्टेप. मैंने टू को बाहर करा सो पावर्स बेस सेम है सो पावर्स हो गई एड. टू की पावर वन प्लस थ्री बाय टू एंड ए स्क्वेयर टू दी पावर थ्री बाय टू. सो ऑन सॉल्विंग वी गेट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन टू की पावर फाइव बाय टू इंटू ए क्यूब. क्लियर. ये ए स्क्वेयर और ये कैंसिल हो गया सो वी गेट बी एज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 की पावर 5 बाय 2 इंटू ए. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन. सो इफ द पॉइंट पी इट लाइज एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल. जितना कॉइल का रेडियस है एग्जैक्टली अगर उतने ही डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 raised to power 5 by 2 into A. Plot a graph showing the variation of magnetic field B along with this distance x. Then B and x they are inversely related. Rather agar A yahan pe na aaye sirf x ki terms mein baat kare so b is inversely proportional to x cube. Yes. So if we draw a variation over here we get like this. So such type of variation will be obtained. जैसे आप x distance बढ़ा रहे हो यानी कि आप p point को center of the coil से दूर करते जा रहे हो so magnetic field will start decreasing. At the center of the coil, if we take the center of the coil, the magnetic field is maximum. Yes, जिसका expression आपने निकाला था mu naught upon 4 pi 2 pi ni by a. And जैसे जैसे आप distance बढ़ाते जाओगे center of the coil से दूर जाता जाएगा point field decrease होती जाएगी.